Students. Today we'll discuss class 5th English grammar. Chapter number 3rd Parts of Speech. Last videos me happen chapter read kiya. Hua hai. So today we'll revise the chapter. Now, words can be divided into the eight different kinds of the classes. That is also called parts of speech. There are eight parts of speech. First is noun, second is adjective, third is प्रनाउन फोर्थ इज वर्ब फिफ्थ इज एडवर्ब सिक्सथ इज़ प्रेपोजिशन, सेवन्थ इज कंजक्शन एट्थ इज इंट्रोजेक्शन। नाउ एट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी डिस्कस अबाउट नाउन अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग नाउन क्या होते हैं जब भी किसी सेंटेंस में पर्सन का नेम प्लेस का नेम एनिमल का नेम या थिंग का नेम आता है तो हम क्या बोलते हैं नाउन सेकेंड इज आरजेक्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज़ यूज टू एड द समथिंग टू बी द मीनिंग्स ऑफ अ नाउन एडजेक्टिव क्या है क्वान्टिटी हाउ मैनी हाउ मच वट कलर पर्सन्स एनिमल्स दैट इज अ क्वालिटी थर्ड इज़ अ प्रोनाउन अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द्लेस ऑफ अ नाउन जो प्रोनाउन है वो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं दैट प्रिया इज एबसेंट अगर हम प्रिया बोलेंगे तो नेम आ जाएगा नेम ऑफ अ पर्सन नाउन अगर हम इसकी जगह शी लगाएंगे तो दैट इज द प्रोनाउन फोर्थ हमारा है वर्ब अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं कोई भी एक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड अ वर्ब अवर टीम वॉन द सीरीज सो वॉन क्या है जीत जाती है दैट इज अ वर्ब शी इज अ ब्राइट गर्ल दैट इज अ वर्ब देव हैज अ गुड मेमरी ये पोसेशन में है ये डूइंग में है ये बीइंग में है तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं दैट इज द वर्ब नाउ फिफ्थ इज है एडवर्ब एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एड मीनिंग टू एन एडवर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब लाइक आई डू माई होमवर्क रेगुलरली दैट्स रेगुलरली इज एडबॉब देन टमोरो आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे टूमोरो इज एडबॉब जो समथिंग नाउन को मीनिंग वर्ब को एडजेक्टिव को यूज करते हैं दैट इज द एडवर्ब नाउ प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन क्या है वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन जिस भी वर्ड्स के यूज में हम बिफोर नाउन और प्रोनाउन करते हैं दैट इज द प्रेपोजिशन प्रेपोजिशंस के जो वर्ड्स होते हैं राहुल डिवाइड इन टू इन टू क्या है अंदर द स्विमिंग पूल सेकेंड हमारा क्या है अ फैट कैट इज़ सिटिंग अंडर अ ट्री जो वर्ड्स हैं दैट इज द प्रेपोजिशन नाउ कंजक्शन जो वर्ड्स टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं दैट इज़ द कंजक्शन यूज टू द ज्वाइन टू वर्ड्स फ्रेसिज और सेंटेंसेज शीनू लाइक्स टू ईट मैंगोज एंड ऑरेंजेस मैंगोस भी पसंद है और ऑरेंज भी पसंद है तो क्या आ जाएगा कंजक्शन एंड बट बिकॉज दैट इज द कंजक्शन नाउ एट है इंट्रोजेक्शन इंट्रोजेक्शन में क्या है जब भी कोई फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है वो हैप्पीनेस है सैडनेस है एंग्री है सरप्राइज है पजल्ड है दैट इज द इंटरजेक्शन ओ हो डज द हर्ट अ लॉट अलास हर डॉग डाइट जब भी किसी भी प्रकार की इमोशंस इंप्रेशन किए जाते हैं दैट इज़ द इंटरजेक्शन सो स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर केयरफुली एंड प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स